प्रारंभ की चार राशियों को। अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। जो है मेष राशि में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसमें शुक्र और राहु को लेकर के एक चिंता का विषय है, तो पारिवारिक विवाद बढ़ सकता है। पारिवारिक विवाद क्या होता है, देखिए जो घर में छोटी छोटी बातें रहती हैं, मानसिक तनाव देती है, कभी कभी बच्चा कुछ कह दिया तो उसको आप जो है धैर्यपूर्वक सह लीजिए, उसमें ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है। पत्नी कुछ कह दी तो धैर्यपूर्वक सह लीजिए, उसमें ईगो दिखाने की जरूरत नहीं। यदि हम उस बात को बढ़ाएंगे तो निश्चय ही वो बात बहुत बढ़ जाएगी, पारिवारिक विवाद एक कलह का रूप ले लेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि चिंता से बचे। आपको विभिन्न प्रकार के विषय आएंगे जो आपको मानसिक रूप से चिंतित करेंगे। कहावत है ना, चिंता चिता समान। चिंता से दूर रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और एक स्ट्रेंथ मिलेगा, एक आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। एक और बात है मेष राशि के जातकों के लिए, कानूनी विवाद में आपको कुछ सफलता है। बहुत दिनों से जो कानूनी विवाद चल रहा है, न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है या कोई लिटिगेशन से रिलेटेड जो भी इशू चल रहा है, तो उसके कुछ ना कुछ रास्ते आज जरूर खुलेंगे। यानी आज कुछ ऐसी निर्णायक स्थिति उत्पन्न होगी जिससे आपके लिए शुभ होगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। जो है देखिए वृषभ राशि में कुछ विशेष है, केतु का प्रभाव और साथ ही साथ जो है शुक्र की जो स्थिति बन रही है, तो उसमें जो ग्रहों का भी परिवर्तन हुआ है, तो एक आपको अनावश्यक खर्च से बचना होगा। जो है अनावश्यक खर्चों पर आपको लगाम लगा रहे, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, हम सुबह से शाम तक ध्यान नहीं देते हैं, पैसे खर्च होते चले जाते हैं, कहीं बाहर चले गए भ्रमण पर, वहाँ भी पैसे के बाद में शाम को चिंता हो जाती है, अरे ये तो पैसा खर्च हो गया और व्यर्थ का खर्च हुआ। तो व्यर्थ के बेकार की चीज़ों पर खर्चा मत कीजिए। अगर आय कम है तो व्यय पर ध्यान आपको देना पड़ेगा, अन्यथा वो आपकी व्यवसायिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और आपकी पारिवारिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। और दूसरी एक बात, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो अभी ग्रहों का परिवर्तन हुआ है उससे हड्डियों से संबंधित परेशानी और पेट से संबंधित कष्ट आपको हो सकता है। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि वालों को ध्यान देना है कि अपने ऑफिस में जा रहे हैं या कोई सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जहां भी जा रहे हैं, वहां पर कुछ लोग आपसे विवाद क्रिएट करेंगे, कुछ लोग आपसे ईर्ष्या बस कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जिसके कारण आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए, आप अशांत हो जाए और समस्याएँ बढ़ें। तो बहुत अच्छा क्या रहेगा, आप अपने इन कार्यों को लेकर के शांत रहिए, सतर्क रहिए, किसी के विवाद से किसी के प्रवोक होने में ना आइए और शांतिपूर्वक अपना कार्य निपटाइए। धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है, कुछ विशेष योग जो है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ का एक अच्छा अवसर मिलने वाला है। दूसरी एक बात, स्वास्थ्य लाभ होगा। जो लोग बीमारी से या वायरल फीवर से या किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट से कई दिनों से चले आ रहे हैं, तो आज आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और आज आपको एक मजबूती, शरीर में एक मजबूती की अनुभूति होगी। बात करेंगे कर्क राशि वालों की। जो देखिए आपके ग्रहों की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है, अभी मन में बहुत नेगेटिविटी रहेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के दुखी रहेंगे, पुरानी बातों को सोच करके दुखी रहेंगे, और कुछ लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा आपने उनके लिए अच्छा किया, तो ये लेकर मन में कंट्राडिक्शन सब बना रहेगा। तो मेरे विचार से मन में उदासी के लिए आप क्या करें, धर्म कर्म में मन लगाइए, परमात्मा में मन लगाइए, कुछ ध्यान कर लीजिए, कुछ दान पूर्ण करना आपके लिए शुभकारी रहेगा, क्योंकि दान पूर्ण करने से पाप क्षय होता है, पाप कटता है, शांति मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है, तो ऐसा करने से निश्चय ही आपके लिए कल्याणकारी दिन रहेगा। आपको पैसे का नुकसान हो रहा है और अक्सर एक धन हानि का संयोग बनता है, धन नहीं रहता है और कहीं से उधार लिए तो चुका नहीं पाते हैं, किसी को पैसा दिए तो वापस नहीं मिलता है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, बैंकिंग ऋण बढ़ता चला जा रहा है, बैंकों का लोन चुका नहीं पा रहे हैं, आर्थिक परेशानी चारों तरफ है, तो एक कथा सुनिए, इस कथा से आपको जो है कर्ज से मुक्ति मिलेगी। एक बहुत ही गरीब आदमी था, उसके पास ना घर था, ना धन था, ना वैभव था, वो परेशान रहता था, लेकिन एक दिन वो पत्नी के साथ पीपल वृक्ष के नीचे रहने लगा, उसे शांति मिली, वो पीपल वृक्ष के नीचे अपना स्थान बना लिया, किसी ने उसे बताया तो वो पीपल वृक्ष के नीचे भगवान शनिदेव का भजन कीर्तन पूजन और धूप दीप प्रज्वलित करने लगा, और जो कुछ भी उसे दान रूप में मिल जाता था या जो कुछ भी रहता था उसका प्रसाद खरीद करके भगवान को प्रसाद चढ़ा देता था, वहाँ जो लोग आते थे गरीबों में बांट देता था, पशु पक्षियों को भी दे देता था। ऐसा वो करता रहा और 21 शनिवार हो गए,
बाद में उसे अचानक जो है एक सेठ आया और सेठ ने कहा कि तुम मेरे यहाँ आओ, मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। और नौकरी भी अच्छी नौकरी मिली, घर भी मिला और साथ ही साथ वो सुखपूर्वक अपना जीवन बदलने लगा, उसका भाग्योदय हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान शनिदेव का पीपल वृक्ष से और भगवान शनिदेव उपासना से जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दोनों का सानिध्य है, दोनों का संबंध है। परेशानी दूर करनी है तो आप पीपल पेड़ के नीचे जा करके भगवान शनिदेव का दीपक जरूर जलाइए, और ये दीपक तेल का दीपक होगा, सरसों के तेल का दीपक होगा। भगवान शनिदेव का ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए, स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और यदि रोज ना कर सके तो शनिवार के दिन जाइए, अवश्य जाइए, और हर अमावस्या को जरूर जाइएगा, क्योंकि अमावस्या भाग्य परिवर्तन का समय होता है। आपके जो ऋण हैं, ऋण समाप्त हो जाएंगे, पैसों की कमी दूर होने लगेगी, निर्धनता दूर होगी, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा और आपको लगेगा कि आज मुझे धन की आवश्यकता नहीं, भगवान शनिदेव की कृपा से सब मंगलमय हो गया। सिंह राशि के जातकों के लिए अब बात करेंगे। मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। बहुत सी बार क्या होता है, हमारे मन में छोटी छोटी इच्छाएं रहती है, मन में कुछ एक भावना रहती है कि ये कार्य हो जाए, ऐसा हो जाए, कोई सफलता मिल जाए, कोई बात हमारी मान जाए, कोई हमारे मन के अनुरूप कार्य हो जाए, तो आज आपकी मन की इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होंगी, चाहे छोटी इच्छा हो चाहे बड़ी इच्छा हो। आप उसके लेवल पर मत जाइए, लेकिन आपको संतुष्टि से परिपूर्ण आज का दिन रहेगा। आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ग्रहों की ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसके कारण जो है आप भोजन को लेकर के जो है अव्यवस्थित होंगे और आपको शारीरिक रोग बढ़ सकता है। इसीलिए क्या है कि आज आपको डाइजेस्टेबल फूड चाहिए, जो है सुपाच्य भोजन कीजिए, हल्का भोजन लीजिए और थोड़ा मेडिटेशन योगासन भी कीजिए, थोड़ा सा आपके अंदर स्ट्रेंथ आए, क्योंकि ग्रहों का ऐसा प्रभाव है कि बीमारी या कष्ट दे सकता है, तो उससे बचने के लिए हम आपको एक ऐसा उपचार बतला देते हैं कि आपके लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड हो। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। आप अपने घर पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ग्रहों की यह स्थिति है, आप जीवन में उलझे हुए हैं, अपनी घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पत्नी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, चिड़चिड़ेपन में आपका दिन व्यतीत हो रहा है और घर में भी झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप संयम पूर्वक सारी चीज़ों को समझें, क्योंकि घर की जो जिम्मेदारी है वो भी महत्वपूर्ण है, बाहर का कार्य वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन शांति कहाँ से मिलेगी? शांति आपको घर से मिलेगी, तभी आप बाहर का कार्य कर पाइएगा। इसलिए घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। अब बात करेंगे हम तुला राशि के जातकों की। आज का दिन किसी नए काम की शुरुआत के लिए आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा, बहुत मंगलमय रहेगा, क्योंकि ग्रहों की कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसमें जो भी कार्य आप बहुत दिन से सोच रहे हैं, तो आज आप कोई कार्य ना करें तो एक कागज़ और एक पेन ले लीजिए, आप अपनी योजनाएं लिख डालिए कि हमने उस कार्य का श्री गणेश कर दिया है और वो कार्य जो है आपको सफलता के मार्ग तक ले जाएगा। तो आज का दिन आपके लिए जो है बहुत ही शुभ है, मंगलमय है, प्रसन्नता और मनोविनोद का समय है। यानी कहने का मतलब आप बहुत तनाव में ना रहिए, कुछ एंटरटेनमेंट कर लीजिए, कुछ टीवी देखिए, कुछ मूवी देखिए, कुछ बाहर टहलिए, कुछ परिवार के साथ जाइए, तो उससे आपके जीवन में संपूर्णता आएगी और मजबूती आएगी, और जो ग्रह आपको नुकसान दे रहे हैं वो ग्रह भी शांत होंगे। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आप विवाद, समस्या, परेशानी और कलह उत्पन्न करने वाली बातों को ना उठाइए, खासकर पति पत्नी के लिए है, क्योंकि आज ग्रहों के हिसाब से दोनों में जो है टकरार हो सकती है। आपको सामंजस्य बनाने की जरूरत है। आज सवेरे से ही यदि हमारे कार्यक्रम को देख करके, हमारे संदेश को देख करके आप सतर्क हो जाएंगे तो आप अपने जीवन में भाग्योदय के मार्ग को आसान कर सकते हैं। आपस में बैठ करके बातचीत कीजिए। बहुत बार बहुत छोटी छोटी बातें होती, बड़ी सामान्य बातें होती है, लेकिन मनुष्य जो है अपने अहम के कारण, अपने विचारों को शांत ना रखने के कारण विवाद को बढ़ा लेता है। तो विवाद ना बढ़ाए, आपस में सामंजस्य बना करके जीवन के सुख और